सबसे पहले कि वीडियो को शुरू करें, आपसे एक छोटी सी मुद्देबाना गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में मौजूद घंटी को भी दबा दें ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। शुक्रिया। तो दोस्तों, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना के रखा हुआ है आर्क लगाने के तरीके समझाने के लिए। तो हम देखेंगे कि भाई यहाँ पे जो है हम आर्क कैसे लगाते हैं और कितने तरीकों से, कितने ऑप्शंस हैं, हम ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए आर्क लगाते हैं। तो दोस्तों, हम तकरीबन 11 तरीकों से जो है वो यहाँ पे आर्क की ज्योमेट्री जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। कमांड विंडो के थ्रू जो है वो ये लिखेंगे, एंटर करेंगे, फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और फिर सेकंड पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और थर्ड पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। तो ये हमारे डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग होती है आर्क की, उसके हिसाब से आर्क जो एक ज्योमेट्री जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अभी हम आइकन के थ्रू थ्री पॉइंट की ज्योमेट्री जो है वो आर्क की क्रिएट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। तो जो हमारा जो है वो आर्क की ज्योमेट्री जो है वो क्रिएट हो जाएगी। ये जो मेथड है, ये थ्री पॉइंट मेथड कहलाता है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे, स्टार्ट, सेंटर और एंड। तो दोस्तों, जो है हम सबसे पहले इसका जो स्टार्ट है, जहाँ से हमने आर्क को स्टार्ट करना है, वो पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। फिर हम इसका सेंटर देंगे और फिर जहाँ तक हमने आर्क लगानी है वो एंड पॉइंट जो है वो हम उसको सेलेक्ट करेंगे। तो हमारी जो आर्क की ज्योमेट्री है वो क्रिएट हो जाएगी इस तरीके से। हम चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, अगले मेथड की तरफ, स्टार्ट, सेंटर और एंगल। तो इसमें जो है हमने स्टार्ट पॉइंट देना है, फिर जो है हमने सेंटर पॉइंट देना है, फिर हमने जो है वो एंगल देना है। अगर हमने 90 डिग्री तक लगानी है तो हमें जो एंगल है वो 180 देना पड़ेगा, और अगर हमें 0 डिग्री तक लगानी है तो हम जो एंगल वो 90 देंगे। तो हमने 90 तक लगानी है तो हम डिग्री जो है वो 180 डिग्री देंगे। तो हमारी जो आर्क है वो कंप्लीट हो जाएगी। इस तरीके से जो है ये ज्योमेट्री जो है हमारी क्रिएट हो जाएगी आर्क की। तो हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा स्टार्ट, सेंटर और लेंथ। तो इस पर आपने क्लिक करनी है, जहाँ पे आपने आर्क लगानी है वहाँ का स्टार्ट पॉइंट जो है वो सेलेक्ट करना है, फिर आपने सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करना है, फिर आपने जो लेंथ है जो हमने ऑलरेडी दी हुई है 2 या जो भी आपकी मतलूबा हो वो आपने लिख कर एंटर कर देना है। तो जो ज्योमेट्री है आर्क की वो क्रिएट हो जाएगी इस ऑप्शन के जरिए, स्टार, सेंटर और आपने लेंथ देनी है और ये ज्योमेट्री जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अगर आप स्टार्ट अपर साइड से लेंगे तो आपकी जो ज्योमेट्री है वो 180 डिग्री वाली साइड पे क्रिएट होगी। नेक्स्ट है हमारा स्टार्ट, एंड और एंगल। तो जहाँ से आपने स्टार्ट करना है वहाँ पे पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और एंड पॉइंट हमारा ये है। अब हम जो है वो अगर 180 डिग्री देंगे तो हमारी जो आर्क है वो 0 डिग्री वाली साइड भी क्रिएट होगी, और अगर हम जो है वो एंटर कर देंगे तो जो है हमारा ज्योमेट्री जो है वो क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं जी, स्टार्ट, एंड, डायरेक्शन। स्टार्ट पॉइंट जहाँ पे हमने आर्क लगानी है,
एंड पॉइंट, और अगर हम डायरेक्शन देनी है तो माउस को जो है हम 0 डिग्री वाली साइड पे ले जाएंगे तो 0 डिग्री वाली पे क्रिएट हो जाएगी, ये देख सकते हैं आप। और अगर हम 180 डिग्री वाली साइड पे माउस ले जाएंगे तो हमारी जो ऑब्जेक्ट है, जो ज्योमेट्री है, वो 180 वाली साइड पे क्रिएट हो जाएगी। तो हमने जो है वो 0 डिग्री वाली साइड पे लगानी है, तो हमने माउस को 0 डिग्री पे लेके जाना है, उसको ये डायरेक्शन देनी है और एंटर कर देना। और ये हमारी 180 डिग्री पे क्रिएट हो गई। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा स्टार्ट, एंड और रेडियस। हमने जहाँ पे आर्क लगानी है वहाँ पे हमने स्टार्ट पॉइंट लेना है, और सेकंड नंबर पे हमने एंड पॉइंट लेना है। हमारा जो लेंथ है वो 2 है, तो हमने रेडियस इसका 1 देना है। हमने जो है इसकी जो रेडियस है वो 1 लिख के एंटर कर देना है, तो हमारे जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा, जो हमारी ज्योमेट्री है, जो हमारी आर्क है, वो क्रिएट हो जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सेंटर, स्टार्ट और एंड। अब जो है हमने सबसे पहले सेंटर सेलेक्ट करना है, फिर जहाँ से हमने स्टार्ट करनी है वो पॉइंट, और फिर जो है वो एंड पॉइंट जो है वो सेलेक्ट करेंगे, तो हमारी जो ज्योमेट्री है वो क्रिएट हो जाएगी। सेंटर, अब हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारी आर्क है, वो 180 डिग्री पे क्रिएट होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। सेंटर, स्टार्ट और एंगल। सबसे पहले हमने जहाँ पे आर्क क्रिएट करनी है वहाँ सेंटर सेलेक्ट करेंगे, फिर स्टार्ट पॉइंट, और फिर जहाँ तक हमने जो है वो डिग्री देनी है, जहाँ तक हमें मतलूब है वहाँ तक हम डिग्री दे देंगे। तो हमने 180 डिग्री दी, और हमारी जो ऑब्जेक्ट है, जो ज्योमेट्री है, और जो आर्क है, वो क्रिएट हो गई इस तरीके से। इसी तरीके से जो है हम दूसरी एंड से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो हमारी जो ज्योमेट्री है, जो आर्क है, वो 180 वाली डिग्री वाली साइड पे जो है वो क्रिएट होगी। तो ये जो है आप पहले 3 ऑप्शंस में भी कर सकते हैं। स्टार्ट जहाँ से लेंगे उसी तरफ जो है वो उसी के हिसाब से जो है आपकी ज्योमेट्री जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अगर आप स्टार्ट नीचे से लेंगे तो जो ज्योमेट्री है वो आपकी 0 डिग्री वाली साइड पे क्रिएट होगी, और अगर आप स्टार्ट 90 से लेते हैं या ऊपर से लेते हैं तो आपकी ज्योमेट्री है वो 180 डिग्री पे जो है क्रिएट होगी। सेंटर मैं ऊपर स्टार्ट ले रहा हूँ, और जो एंगल है वो आपने 180 ही देना है, चाहे आप नीचे से स्टार्ट लें या ऊपर से लें, यानी कि 270 से स्टार्ट लें या 90 डिग्री से स्टार्ट लें, डिग्री आपने 180 देनी है, और आपका जो ऑब्जेक्ट है जो वो क्रिएट हो जाएगा, जो आर्क है, जो ज्योमेट्री है, वो क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन सेंटर, स्टार्ट और लेंथ। तो वेरी सिंपल, हमने सबसे पहले सेंटर जो है वो सेलेक्ट करना है, फिर आपने मतलूबा स्टार्ट पॉइंट सेलेक्ट करना है, और फिर जो है आपने लेंथ दे देनी है, जो कि हमें शो भी हो रही है, 2 आपने एंटर कर देना है, तो हमारी जो ज्योमेट्री है, जो आर्क है, जो ऑब्जेक्ट है, वो क्रिएट हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो है हमने दूसरी तरफ भी जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो सेंटर पॉइंट आपने लेना है, स्टार्ट पॉइंट आपने ऊपर वाली साइड से लेना है,
और लेंथ जो है वो हमने 2 लेनी है और एंटर कर देना है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो ज्योमेट्री है, वो आर्क जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो ऊपर से हमने शुरू किया, हमारी जो ज्योमेट्री है वो 180 वाली डिग्री वाली साइड पे जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन है जी कंटिन्यू। तो कंटिन्यू का मतलब है कि जहाँ पे हमारी जो लास्ट ज्योमेट्री एंड हुई थी, तो वहाँ से जो आर्क है हमारी नेक्स्ट है वो कंटिन्यू हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी जो लास्ट ज्योमेट्री है वो यहाँ पे एंड हुई थी, तो ये जो कमांड है, ये जो कंटिन्यू ऑप्शन है, ये वहीं से जो है वो कंटिन्यू होके जो है वो नेक्स्ट एंड तक हमें इसको क्रिएट कर दिया। अगेन जो है हम कंटिन्यू की ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, तो जो लास्ट एंड पॉइंट होगा उसको जो है ये कैच करेगा और वहाँ से जो है वो स्टार्ट करेगा। और हमने सेकंड एंड पॉइंट दे देना है। तो अब जब हम दोबारा या अगेन जो है वो इसको ऑप्शन को लेंगे, तो ये लास्ट जो एंड है जहाँ पे हमने फिनिश किया था उसको कैच करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं जहाँ भी ये एंड हो रही है लास्ट पॉइंट, वहाँ से ये कैच कर रहा है और वहीं से जो है ये स्टार्ट कर रही है, वहीं से जो है ये ऑप्शन कंटिन्यू हो रही है।